उस्ताद जी, इतना शोर मचा है, तब्दीली तो आई नहीं। तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से आती है। नहीं समझा? मैं समझाता हूं। वो देख, आपका वो कोई सीन रह गया, कोई भी आप एक एक्टिंग नहीं की आपने। एक्टिंग तो फिर मैं नीचे होके करूंगा। आ जाओ नीचे, तो नहीं करूंगा। नीचे आ जाओ, ठीक है। पीछे पीछे आ जाओ। अच्छ कड़ी मेरी मासी, आ जेल मेरी माँ, आ थाना मेरा प्यो, मेरा पिना तो बगैर मेरा जी नहीं लगता, नहीं लगता। क्या बात है जी, क्या और नाज़रीन क्या हाल है? मेरा नाम है जफर कोडू। तो आपको मेरे ड्रामे अच्छे लगे या वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखना ना भूलिएगा। जो भाई ना देखेगा मेरी वीडियो, मैं मेरा दोस्त नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन होगा। ये बता दूं आपको, जेहन में रखना। जफर भाई, ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ एक्टिंग का? बस सर, ये तो मैं ना करता था सब्जी का काम। अच्छा। तो अच्छा। मेरा जो एक चाचा था ना, बड़ा जालम था। अच्छा। ठीक है, तो उसको छोड़ा तो इस फिल्म दुनिया में घुस गया। अच्छा। उधर से मुझे इतने लोग प्यार वाले मिले तो मेरा दिल भी करने लगा कि यार इनमें से मैं भी हूँ। किन किन फेमस एक्टर के साथ आपने काम किया? मैंने जितने भी आपके पाकिस्तान के फनकार है ना, उन सब से मैंने काम किया। जितने बड़े हैं छोटे हैं, ये ठाकर के साथ, अमानत चांद साहब के साथ। अच्छा। अमानुल्ला साहब के साथ, मैयो कुरैशी के साथ, मुस्तफा कुरैशी के साथ, गुलाम मैयुद्दीन के साथ, शान के साथ, और रैम्बो के साथ, बाबर के साथ। जितने भी बड़े फनकार हैं ना पाकिस्तान के, मैं उनमें से छोटा सा फनकार हूँ और मेरा नाम है जफर कौर। आपने कौन कौन से मशहूर ड्रामों में काम किया? मेरे मशहूर ड्रामे जो है, रईस है, पड़ोसन है, बाहुबली है, और चाय वाला है, ठीक है, और पीके है। ये सब मेरे मशहूर ड्रामे हैं। और सबसे मशहूर मेरी कमर्शियल चल रही है, आपने देखी होगी, जिसका नाम है उषा का देख। कोई आप हमें अपनी एक्टिंग के जोर ही दिखा दें, नाजरीन को, नाजरीन के लिए दिखा दें। तो नाजरीन क्या दिखाऊंगा आपको, इस टाइम तो मैं आप खुद मैला हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कुछ ना कुछ हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, देखना ना भूलिएगा, समझे हो? तो ये जो प्यारी सी पीछे बैठी हुई है, ये आपकी बेगम है? ये आपकी जो है ना भाभी है। अच्छा। और मेरी बेगम है। अच्छा। ठीक है, दो बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह, ठीक है, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा। तो आप लोग जब मुझे देखते हो तो आपको मैं भी बच्चा ही दिखता हूँ। सही बात है। या नहीं? कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन हो गए हैं 12 साल। माशाल्लाह। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है तकरीबन 27-28 साल। 27-28। और आपकी बेगम साहिबा की? उनकी है तकरीबन कोई 25-20। सही, 20-25 के बीच में। सही। तो अभी आप दोबारा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में या नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि घर में हूँ। सही। थोड़ा सा घर को सुवारना। सही। उसके बाद जाऊँगा। सही। तो मेरे दोस्तों, जितनी देर में नहीं आता, सही, आप वेट ना करना। सही। आप काम करना। सही। मेरी दुआएं आपके साथ है। इतनी प्यारी छोटी सी बाइक का आपके जेहन में कैसे ख्याल आया? भाई ये एक दफा गुजर रहा था मैं। अच्छा। तो इसको मैंने देखा। सही। तो मेरा बेटा कहता है पापा ये ही लेनी है। सही। मैंने कहा यार कोई अच्छी वाली लेंगे हम। सही। वो कहता है नहीं पापा ये ही लेनी है। सही। तो मैंने उसको ये ही ले लिया। सही।
तो अब आप इसमें शहर सयाद बेगम के साथ हनीमून कह सकते हैं। सब कुछ हम सैल वगैरह करते हैं, हम इसके ऊपर बाबा फरीद पाक पतन में जाते हैं। सही, ठीक है, जहाँ भी दरबार हो हम हाजिरी जरूर लगाते हैं। सही, हाजिरी लगा के फिर वापस आ जाते हैं। ये हमारी समझ ले के हमारे लिए ये हमारा जहाज है। सही, लोगों के लिए मोटरसाइकिल है या बाइक है, हमारे लिए ये हमारा जहाज है। सही, और हम इसके ऊपर फकर में बैठते हैं। सही, क्या बात है। तो सैले करते हैं, यारों दोस्तों से आए हेलो करते हैं। आपका वो कोई सीन रह गया, कोई भी आप एक एक्टिंग नहीं की आपने। एक्टिंग तो फिर मैं नीचे होके करूंगा। आ जाए नीचे, तो नहीं करूंगा। नीचे आ जाए नीचे, ठीक है। पीछे पीछे हट जाओ। अत कड़ी मेरी मासी, आ जेल मेरी माँ, आ थाना मेरा प्यो, इना तिना तो बगैर मेरा जी नहीं लगता, नहीं लगता। क्या बात है जी, क्या और कोई जोर दिखाएं जी, और कोई फिल्म का या आपका ड्रामे का हो। ड्रामे का तो नहीं है, लेकिन ये फिर आपको करके दिखा देंगे, अभी इतना ठीक है। चले सही, कोई आखिर में एक पैगाम देना चाहिए हमारे मुआशरे के लिए। भाई ये पैगाम हो के आप सब पाकिस्तानी हो, ठीक है, हम भी पाकिस्तानी हैं। ये जेन में रखिएगा कि पाकिस्तान वास्ते जेड़ा दोस्त दुआ मंगेगा, पाकिस्तान दी खैर मंगेगा, वो पाकिस्तानी होएगा। जेड़ा नहीं मंगेगा वो पाकिस्तानी नहीं होएगा। जेड़ा पाकिस्तान दा दुश्मन होएगा वो साडा दुश्मन होएगा। सही गल है, क्या बात है, ठीक है। तो देखना ना भूलिएगा। छोटा सा आपको एक और सीन सुना देता हूँ, मैं नया तराना बना रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सही, मैं आपको सुनाता हूँ। चांद और सितारा है पाकिस्तान हमारा है, चांद और सितारा है पाकिस्तान हमारा है। ये मत भूलो दोस्तों, हम है पाकिस्तानी, हम है पाकिस्तानी, कोरोना का कबाड़ा है और पाकिस्तान हमारा है। क्या बात है, बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी।